कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा के दामाद और मशहूर कैफे चेन सीसीडी यानी कि कैफे कॉफी डे के मालिक विजय सिद्धार्थ के गायब होने के 36 घंटे बाद उनका शव मिला है। मिली हुई जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ का शव मंगलुरु के हौजी बाजार के पास नेत्रावती नदी के किनारे बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, मंगलुरु पुलिस अधीक्षक संदीप पाटिल ने कहा है कि हमें शव आज सुबह मिला। इसकी पहचान के लिए परिवार वालों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। हम शव को बेनलॉक अस्पताल में स्थानांतरित कर रहे हैं। हम आगे की जांच जारी रखेंगे। बता दें आप सभी को, सिद्धार्थ पिछले 36 घंटे से लापता थे। उनके लापता होने से पहले उनके मोबाइल फोन पर आयकर विभाग की दर्जनों कॉल आई थी और इसके अलावा कर्नाटक के ही दो उद्योगपति भी फोन पर लगातार ही उनके संपर्क में रहे। और तो और, पुलिस को यह भी मालूम चला है कि पिछले सप्ताह विजय सिद्धार्थ की कुछ लोगों के साथ बैठक हुई थी। ये बैठक घर या दफ्तर में नहीं बल्कि किसी अन्य जगह रखी गई। मंगलुरु पुलिस को विजय सिद्धार्थ के फोन की जांच में ये जानकारी मिली थी और पुलिस ने मंगलवार को सिद्धार्थ के बंगलुरु स्थित दफ्तर में पूछताछ की थी। SPN9 न्यूज से अजय की रिपोर्ट।